नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी। भोपाल की 23वीं बटालियन में पदस्थ डीएसपी का आम जनता के साथ खुलेआम गुंडागर्दी करने का मामला सामने आया है। डीएसपी ने ठेकेदार से प्लॉट पर मकान का निर्माण कराया, लेकिन भुगतान करने से साफ मना कर दिया। पीड़ित ठेकेदार पुलिस के आला अधिकारियों से मदद की गुहार लगाने के बाद भूख हड़ताल पर बैठने जा रहा है। 23वीं बटालियन में पदस्थ डीएसपी शिवजी ओझा की दबंगाई से एक ठेकेदार को उसकी मेहनत का हक नहीं मिल रहा है। डीएसपी शिवजी ओझा ने सुरेंद्र शाह नाम के ठेकेदार से रातीबड़ इलाके में मकान का निर्माण करते हुए बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया था। निर्माण कार्य में लगभग 13,40,000 का खर्च आया था, जिसके बाद डीएसपी ओझा ने 12,50,000 का भुगतान चेक के माध्यम से कर दिया था। ठेकेदार सुरेंद्र शाह ने जब बाउंड्री वॉल के निर्माण में खर्च हुए लगभग 7 लाख और बाकी के 89,000 रुपए की मांग की, तो डीएसपी ओझा अपने पद की धौंस दिखाने लगा। डीएसपी के रुतबे से परेशान ठेकेदार पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों से मदद की गुहार लगा चुका है, लेकिन अधिकारियों की ओर से मदद नहीं मिली तो अब वो भूख हड़ताल पर बैठने की तैयारी कर रहा है। शिवजी ओझा जी हैं और 23वीं बटालियन में डीएसपी है इस समय, और 2013 जून या जुलाई में मैंने उनके मकान का काम लिया हुआ था, और उनका मकान का काम करते हुए जो है मेरी स्वास्थ्य खराब हो गई, जो मैं भोपाल एम्स में दिखाया था, तो वहाँ से उन्होंने मुझे रेफर कर दिया दिल्ली राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल। तो वहाँ मेरा इलाज चला, इलाज चलते हुए भी मैं वो हुआ, उसके बाद इनका मकान का काम विलम्ब हो चुका था। मैं ये चाहता हूँ सर, मेरी स्वास्थ्य खराब रहती है और मुझे पैसे की ज़रूरत है, और हाँ, और जिससे मैंने कर्ज लिया हुआ है, मटेरियल लिया हुआ है, उनको पैसा देना है, तो मैं कहाँ से दूँगा मैं पैसे। बहरहाल पुलिस के आला अधिकारियों के चक्कर काटने के बाद पीड़ित ठेकेदार को कोई राहत नहीं मिल पाई है। पीड़ित ठेकेदार इंसाफ की आस में भूख हड़ताल करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन उसकी भूख हड़ताल क्या वाकई उसे इंसाफ दिला पाएगी, यकीन से कहा नहीं जा सकता। भोपाल से न्यूज़ आज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और फिलहाल के लिए इस न्यूज़ में इतना ही। और भी खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ आज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।